हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो फ़ोन है तो मोटो फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आते हैं, फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पर। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग ओपन आती है। तो जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा ऐप सेटिंग पे। तो हमारी जो ऐप सेटिंग है शायद यहीं कहीं शो हो रही होगी, तो हमारे फ़ोन में शो हो रही है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो हम अपने फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको शी ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है। तो हमारे पास ऑप्शन ऐप आ जाएगा जी बोर्ड का, तो हमारे फ़ोन में कहीं शो हो जाएगा शायद। सर्च यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी बोर्ड के नाम से। तो हमने सर्च कर लिया, यहाँ पर शो हो गया है, फिर इस पर क्लिक करना है। तो जो भी हमारे कीबोर्ड की प्रॉब्लम होगी इस पर जाएंगे और कीबोर्ड डाटा को यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर करते ही हमारी कीबोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फ़ोन की सेटिंग जाकर कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।